नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। जिले के गांव नक्ता में कोरोना सैंपल लेने के लिए गई स्वास्थ्य विभाग की टीम को ग्रामीणों के विरोध का सामना करना पड़ा। विभाग की टीम को गांव में आता देख ग्रामीणों ने उन्हें घेर लिया और उनके पास मौजूद टेस्टिंग किट भी छीनकर उसे आग के हवाले कर दिया। हालांकि इस दौरान स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने ग्रामीणों को समझाने का काफी प्रयास किया, मगर ग्रामीणों ने टीम की एक भी नहीं सुनी। घटना के बाद स्वास्थ्य विभाग ने ग्रामीणों की शिकायत पुलिस को दे दी। वहीं स्वास्थ्य विभाग के महामारी अधिकारी विष्णु ने कहा कि गांव में अब तक नहीं जाएंगे जब तक उन्हें पर्याप्त सुरक्षा नहीं मिलती है और प्रशासन यह आश्वस्त नहीं करता है कि गांव में जाने वाली टीम के साथ कहीं किसी प्रकार की कोई घटना नहीं होगी। आपको बता दें कि गांव के पूर्व सरपंच की बीते दिनों कोरोना संक्रमित होने के कारण मौत भी हो गई, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम स्क्रीनिंग और सैंपलिंग के लिए गांव नक्टा में गई थी, जहां उन्होंने ग्रामीणों के विरोध का सामना करना पड़ा। पलपल फतेहाबाद से राजेश भांबू की विशेष रिपोर्ट। हमारी टीम गई थी डॉक्टर संजय अरोड़ा के नेतृत्व में सैंपलिंग लेने, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की सैंपलिंग करने की। गांव वाले इकट्ठे हो गए थे, वहाँ पे हमें सिर्फ एंटीजन किट वगैरह छीन के उनके आग के हवाले कर दिया गया था। अभी टीम हमारी वापस आ गई, फिर सैंपल नहीं ले पाई वहाँ। ठीक है, ये एक्चुअली हमें एक पेशेंट था जिसकी डेथ हो गई थी दो तीन दिन पहले, और वो नक्टा गांव का रहने वाला था, भूतपूर्व सरपंच था। तो जब हमें पता चला कि उसकी डेथ हो गई है, तो हमारी टीम उस गांव में उनके कॉन्टैक्ट्स लेने के लिए, ट्रेस करने के लिए, और गांव में और लोगों के सैंपल लेने के लिए गई थी। बट जैसे ही हमारी टीम वहां पहुंची, तो वहां पर हो सकता है कुछ ऐसे लोगों ने जिनको इस बारे में अवेयरनेस नहीं है, नॉलेज नहीं है, उन्होंने कोई अफवाह फैलाई कि भाई टीम आ रही है और ये हमारे जानबूझ के पॉजिटिव निकालेगी, ऐसे वैसे करेगी। तो उन्होंने हमारे मतलब डॉक्टर्स है, कर्मचारी वगैरह, उनके साथ अभद्रता की, और वहाँ पे लोग वगैरह भी काफ़ी इकट्ठे हो गए, कुछ अपने साथ कोई डंडा या दूसरी चीज़ें लेकर, और हमें ये धमकी देने लगे कि भाई हमारे गांव में कोई एंट्री नहीं करेगा, कोई टेस्ट नहीं होगा, अदरवाइज़ हम स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे हम आपके साथ। तो फिर उन्होंने हमारे साथ जो हमारी किट्स आई थी रैपिड एंटीजन किट्स है, वो हमसे छीन के और वहीं पर उनकी आग, उनको आग भी लगा दी। इस मामले में हमने सदर थाना को शिकायत दर्ज करा दी है, आगे जो वो करना है उनके ऊपर है। सर कितने के है किट थी सर? वो किट्स तो हम लोग काफ़ी 100 के ऊपर लेके जाते ही हैं, क्योंकि हम उम्मीद करते हैं कि 100-150 सैंपल तो हर गांव में जब लेंगे तो मिल ही जाते हैं नॉर्मली। तो क्योंकि अब सरकार के आदेश हैं कि हर गांव में, हर जगह में रैंडम सैंपलिंग भी करवानी है। तो जितने ज़्यादा सैंपलिंग होगी, उसी हिसाब से हमें पता चलेगा कि भाई इन्फेक्शन का स्प्रेड है कि नहीं है। तो हम वैसे भी जा रहे हैं हर जगह पे, जहाँ पे भी हमें हॉटस्पॉट एरिया मिलता है या रैंडम सैंपलिंग के तहत, हर गांव में, चाहे वहाँ केस निकला हो चाहे ना निकला हो, इन्फेक्शन को स्प्रेड देखने के लिए, उसी के तहत। पर इस गांव में तो डेथ भी हुई थी,
तो हमारा दोनों ही मकसद था कि साथ में तो जो डेथ केसेस है उनके परिवार वालों के सैंपलिंग करवा लेंगे और जो वो कॉन्टैक्ट ट्रेस करेंगे और बाकी लोगों के भी रैंडम सैंपलिंग के तहत सैंपल करवाएंगे, बट ये घटना हो गई और इस वजह से हम कोई सैंपल नहीं कर पाए। तो सर मारपीट भी की गई थी आपके साथ? मारपीट तो नहीं हुई है, बट ये है कि हमारा सामान वगैरह उन्होंने छीन लिया और जला दिया और हमें धमकी वगैरह भी दी हमारे डॉक्टर्स को, हमारे कर्मचारियों को, कि भी आगे से कोई गांव में घुसेगा तो हम मतलब कुछ भी अनहोनी घटना हो सकती है हमारे। तो जो आपने FIR करवाई है सर, कितने लोगों की करवाई हो? हमने तो बता दिया उनको कि भी ऐसे ऐसे हमारे साथ घटना हुई थी, हमारे साथ कुछ हमारे गांव में ही कुछ एक दो लोगों ने इसकी वीडियो भी बनाई थी, वो भी हमने थाना को दे दी है, शेयर कर दी है और हमने बता दिया कि हमारे साथ ये घटना हुई है, बाकी उनके ऊपर। कल हमारे स्वास्थ्य विभाग की टीम में जो सुरजीत सिंह है वहाँ एक नक्ता का एक सरपंच थे, उनकी डेथ हो गई थी जिस पर वो बाकी व्यक्तियों के सैंपल लेने के लिए गए थे, जिस पर ग्रामीणों द्वारा उनका विरोध किया गया और उनके जो सैंपल किट है उनको भी नष्ट कर दिया गया है, तो जिस पर डॉक्टर साहब ने हमारे वहाँ कंप्लेंट दिया और उस पर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया। क्या कार्रवाई की जाएगी जी उनके और कितने उसके खिलाफ? आइडेंटिफाई करके उनको जल्दी उसमें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये किट जलाते की कोई वीडियो भी वायरल हुई है? अभी बता रहे वहाँ एक वो उसकी वीडियो भी हमारे पास दी है, सारे आइडेंटिफाई हो जाएंगे वीडियो के आधार पर और हमारी खुफिया सूचनाओं में डॉक्टर साहब विवरण लेकर जिस जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कितने किट्स जलाई गई हैं सर? अभी है ना वो सारी डिटेल तो FIR में मिल जाएगी। डॉक्टर साहब का कहना है कि जब तक हमें पुलिस प्रोटेक्शन या कुछ ना दिया जाए तो हम ऐसे गांव में प्रवेश नहीं करेंगे। नहीं, डॉक्टर साहब की डिमांड पर हम वो पूरी उनको सुरक्षा प्रदान करेंगे, ये हम उन्हें अब हमारे डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद में SP साहब के आदेश अनुसार सबको SHO को डायरेक्शन दे दी गई है कि वो जो सुरक्षा विभाग के कर्मचारी हमारी सहायता मांगेंगे उनको पूर्ण सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।